व्हाट्सएप पे यार मैं क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर है पेश करता है आपके सामने एक न्यू रिएक्शन के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया होने वाली है वीडियो, हाँ, क्योंकि ये वीडियो ही है हफ्सा खान के ऊपर। जब हफ्सा खान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जमा हो गई थी कि एक हिसाब हफ्सा खान पर रिएक्शन करें, तो आपके सामने हाजिर पेश कर दोगे हम हफ्सा खान की वीडियोज़ लेकर। देखें, थोड़ा टाइम होता है, हर बंदा या हर बंदी जो भी आके, बंदा तो नहीं, रिएक्शन ज़्यादा रिक्वेस्ट से गर्ल्स की होती है। सो वो समझते हैं कि हम मतलब बस हमारी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर, तो हमारी ही एक्सेप्ट होगी ना, मतलब अब हमारी आ गई है तो सब हमारी होगी। मोहतरमा, आप अपने जहन में, माइंड में ये बात जहन नशीन फरमाएं कि सिर्फ आप एक वाहिद बंदी हैं जिनकी रिक्वेस्ट जमा होती है, हज़ारों पीछे पेंडिंग के अंदर पड़ी हुई होती हैं। तो अपना ये नहीं कर लिया जाए कि हमने अगर रिक्वेस्ट करा दी तो बस हमारी ही होगी, हमारी होगी। एक बंदा नहीं है, हज़ारों बंदा है, तो उस हिसाब से चलना होता है। तो अपने आप को ठंडा रखा करें, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ किसी को भी, बट वीडियो में कभी बता देता हूँ कि भाई सब सुन लो, ठंडा रखा करो अपने आप को। रिक्वेस्टें हैं वो तीन हफ्तों बाद भी पूरी होंगी, 2 हफ्तों बाद भी पूरी होंगी। आपको पता है अभी जो रिक्वेस्टें अभी बन रही हैं, वीडियो 14 बन रही हैं, इसके बाद की भी 10 रिक्वेस्टें फुल हैं, फुल वो अगले बार एक्सेप्ट होंगी। कहाँ से करें, आप लोगों की रिक्वेस्टों पर ही तो वीडियोज़ आती हैं। और फिर मुझे अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप प्रोफाइल्स पर रिएक्शन नहीं करते, इंस्टाग्राम की इस पर नहीं करते उस पर। अरे हजरत, पहले ये वाली रिक्वेस्ट है तो हो जाए, मैं क्या करूँ। एंड सेकंड बात, सबसे ज़्यादा मुझसे आप लोग यही पूछते हैं कि साहब आप टिकटॉक क्यों नहीं बनाते, आपके खुद के इतने एक्शंस हैं तो आप रिएक्शंस क्यों करते हैं, क्या बात है, डायलॉग मारते हो यार आकर। तो मैं टिकटॉक नहीं बनाता, जी हाँ, टिकटॉक इज़ नॉट माई स्टाइल। सीधी बात है, टिकटॉक मेरा स्टाइल नहीं है, हर किसी की अपनी वो है। टिकटॉक बनाना अच्छा भी नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, एक्सप्रेशन हैं कुदरती तौर पर अल्लाह ने दिए हैं, तो पता है मुझे है अच्छे हैं, बट टिकटॉक अच्छा नहीं लगता, सीधी बात है। इतनी स्ट्रगल अगर मैं टिकटॉक में अभी कर चुका होता तो मैं 100% कह रहा हूँ भी मिलियन में फॉलोवर्स होते, क्योंकि आप अभी स्ट्रगल को मेरी नहीं जानते। आपने सिर्फ एक वाहिद चैनल देखा या व्लॉग वाला देख लिया होगा तो देख लिया होगा, बाकी आप कुछ नहीं जानते कि किस तरीके से मैं कंटेंट बनाता हूँ और किस तरीके से मैंने क्या क्या किया हुआ। मेरे ये 2 चैनल भी हैं, मेरे 8-9 चैनल्स हैं और मुझे 2.5 से 3 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर। इसको खैर 6 महीने हुए हैं, बाकी उनके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी फॉलोअर जो चुके होते हैं, बट मेरे को टिकटॉक नॉट इज़ माई स्टाइल। मैं पहले बोल चुका हूँ, टिकटॉक में मज़ा नहीं आता। अब जिसको नहीं आता उसको नहीं आएगा, सीधी बात। फिर वो थोड़ा अजीब अजीब माहौल भी हो जाता है, समझ रहे हो, बस अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो चलते हैं वीडियोज़ की तरफ, बहुत बातें हो गई, थोड़ी तमहीद बांध दी, सॉरी ज़्यादा लग गया हो तो। खैर, रोटी दो, रोटी खा लेना, मसला नहीं है। वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और शूट आउट वगैरह के भी आप आकर वहाँ से डिटेल ले सकते हैं, जहाँ शूट आउट होता है हमारा। स्टार्ट करते हैं हफ्सा खान की वीडियोज़ हमारी। जिन्नी तेरी केयर करा, लॉयल रहा नी तू ने तिखे तेवर दिखावे, मुक्क देना नखरे तेरे, नखरे तेरे मुंडा दिनो दिन मुकदा ही जावे। तू आखड़े च गल ना करे, गल ना करे, मेरी जान निकल दी जावे, मुक्क देना। तो नाराज ना हुआ कर, एक दूरी तो है मेरा। क्यों तूने अजमा के वेख लवी, तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर। ये बादल की
प्यार के लिए कि बस तुम हो और कोई चाहिए भी नहीं। तेरे नाल ओके सो ये वीडियोस थी हमारी हफ्सा खान की टिकटॉक की वीडियोस जो आपके सामने थी और मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया बनाई थी। बट वो एक ट्रांजिशन वीडियो जो आई थी वो बहुत कमाल की थी, बाजवे दा सिड्डा वाली वीडियो। अरे भाई अगर गाने में इतना हो गया तो बता देना, मुझे नहीं पता होते गाने इतने ज़्यादा। और सेकंड वीडियो ये अभी न्यू टिकटॉक है तो ये शॉर्ट है, न्यू टिकटॉक यूट्यूब पे शॉर्ट ही मिलती है। अगर जिनको न्यू पे कराना होता है तो वो टिकटॉक या स्नैक से उठाकर 4-5 मिनट की वीडियो डाउनलोड करके भेज दें तो बेस्ट हो जाएगा, तो ये छोटी वीडियोज़ नहीं बनेगी। मैं कहाँ से उठाऊँ, मेरे पास टाइम पहले नहीं होता, मैं ये सब भी करने बैठ जाऊँ तो फिर काम ही ख़त्म हो गया, समझ रहे हो, समझ जाया करो। और ये थी हमारी हफ्सा खान, वहाँ पे एक वीडियो, ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी लग रही थी, कौन सी ये पिंक कलर की जो आई थी शायद, आई थिंक हाँ बढ़िया थी। आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर।